श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, नवरात्रि के पवित्र दिनों के बाद कल प्रदोष काल का दिन आने वाला है, जो कि गुरुवार के दिन पड़ रहा है, यानी कि प्रदोष काल का दुर्लभ संयोग 25 अक्टूबर को बन रहा है। तो इस दिन मात्र आपको एक काले तेल और काली मिर्च से एक अचूक उपाय करना है। तो देखिये दोस्तों, यह जो उपाय है आपके जीवन से सारी समस्याओं सारे संकटों को दूर करने वाला है। तो देखिये दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो देखिये दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, यदि आप भगवान शिव जी के अनन्य भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए दोस्तों, प्रदोष का व्रत अगर गुरुवार के दिन पड़ता है तो यह गुरु प्रदोष कहलाता है। तो गुरु प्रदोष के दिन हमें भगवान शिव के साथ साथ हमें गुरुदेव जी की भी कृपा प्राप्त होती है। तो देखिए दोस्तों, यह जो उपाय आपको विशेषकर प्रदोष काल के समय ही करना है। तो देखिये दोस्तों, जो प्रदोष काल का वो समय है वो शाम 7:23 से लेकर के रात्रि 9:24 तक होने वाला है। तो देखिये दोस्तों, ध्यान रखें, तो प्रदोष काल के समय में शिवलिंग के अंदर स्वयं भगवान भोलेनाथ का निवास होता है, इसीलिए हमें प्रदोष काल के दिन प्रदोष काल के समय में ही भोले बाबा की पूजा करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके मन में चिंताएं बहुत अधिक रहती हैं, तनाव बहुत अधिक रहता है, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। और यदि दोस्तों आपको ऐसा लगता है आपको किसी की नजर लग गई है और किसी भी कार्य में आपका मन नहीं लग पाता है, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारे जो गुरु है वो भगवान शिव जी को अपना गुरु मानते हैं, इसीलिए हमें ये उपाय करने से बिल्कुल भी चूकना नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं यह उपाय हमें कैसे करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें 7 काले तिल के दाने ले लेना है, और इसी के साथ में आपको काली मिर्च लेना है, और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। तो देखिए दोस्तों, काले तेल और काले मिर्चे कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और दोस्तों, हो सके तो आप यह उपाय प्रदोष काल के समय में ही करें। यदि दोस्तों आपको प्रदोष काल के समय में समय नहीं मिल पाता है, तो आप यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो 7 काले तिल के दाने, उनको आपको उसी पात्र के अंदर सबसे पहले डाल देना है। अब जो दोस्तों आपके पास काले तिल से युक्त जल है, उसको आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्ते इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही ये काले तिल भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित होते हैं, वैसे ही आपके जीवन में आ रही आर्थिक समस्याएं वो सभी दूर होती हैं, और साथ ही साथ धन कमाने के नए नए रास्ते खुलने लगते हैं, और आपके जीवन में जो भी कर्ज की समस्या है वह सभी भी दूर होने लगती है। इसीलिए दोस्तों, आपको गुरुवार के दिन शिवलिंग के ऊपर काले तिल जरूर समर्पित करना चाहिए, क्योंकि काले तिल भगवान शिव जी को बहुत ही ज्यादा प्रसन्न करते हैं। और दोस्तों, साथ में आपके पास जो एक काली मिर्च है, अगर आपको लगता है आपके ऊपर ऊपरी हवा है और किसी का प्रकोप आपके ऊपर है और आपके मन में हमेशा तनाव रहता है, किसी भी प्रकार की चिंता आपको सताने लगती है, तो देखिए दोस्तों, काली मिर्च जो है अगर आपके घर में किसी के ऊपर बाधा आने वाली होती है, उसे भी दूर करने का कार्य करती है। देखिए दोस्तों, ये काली मिर्ची आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है, और आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन के ये संकट बाधाएं और जो कष्ट है उन्हें आप दूर करें, और ऐसे शुभ के भाव के साथ आपको भगवान शिव जी के ऊपर ये काली मिर्ची समर्पित कर देनी है। तो दोस्तों, बस इतना सा उपाय करना है आपको इस गुरुवार के प्रदोष के दिन पर। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर इस उपाय को आप कर लेते हैं तो आपके घर में धन धान के भंडार बढ़ जाएंगे, आपके घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। उपार्ज करते समय आपको अगर किसी भी बात समझ में आए तो हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको कमेंट करके रिप्लाई दे देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव।